वेल, LIC ये वो नाम है दोस्तों जिसकी तरफ सबकी निगाहें हैं। और एक ऐसा IPO जो सब सोच रहे हैं कि आने वाले 4 मई को हम क्या करने वाले हैं, क्या हमें इस IPO में लगाना चाहिए, कैसा होगा IPO, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ही ज्यादा ओवर टॉक्ड है और हर तरफ इसकी चर्चा है। शायद इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा IPO हम विटनेस करने वाले हैं और हम सबके मन में सवाल है कि क्या हमें इस IPO में पैसा लगा के निकल जाना चाहिए या हमको इस IPO में पैसा लगा के निवेश कर देना चाहिए अगले 10 साल के लिए। दोस्तों इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जितना डिटेल्स मेरे पास है पूरा ईमानदारी से आपके सामने रखने वाला हूं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? LIC का सीधा सीधा नाम क्या है गाइस? आप सबको मालूम है LIC मींस ट्रस्ट। जब हम LIC की बात करते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं जहां पे हमें पैसा लगाना है अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, वहां पे ट्रस्ट की अगर बात आती है तो LIC सबसे पहला नाम है। यस, इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरेंस सेलर, इससे बड़ा इंश्योरेंस सेलर इंडिया में नहीं है। जब हम हुए थे, हमारे पिताजी हुए थे, उनके फोर फादर्स हुए थे, जब से कंपनी, अगर आप इसमें तब से निवेश करें तो आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि कई जनरेशन से LIC रूल कर रही है। इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर LIC के पास है, घर घर में LIC पहुंची हुई है, घर घर में LIC के इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जी हाँ, आपके गली में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं LIC के एजेंट्स आपके अंकल आंटी कोई ना कोई जरूर होंगे। बट सवाल यह है कि विल इट ग्रो, क्या LIC ग्रो करेगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये मेरे दिमाग में नहीं, शायद इंडिया के बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जितने भी लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इस IPO के बारे में वो सब जानना चाहते हैं कि विल दिस कंपनी ग्रो और नॉट। अब आप कहेंगे कैसी बातें करते हो, इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट मार्केट शेयर, इतना बड़ा बिजनेस नेटवर्क, कैसे कंपनी ग्रो नहीं कर सकती? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हम इन सभी सवालों को आंसर कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ LIC, छोटा सा टाइम आपका चाहूंगा। LIC कब बनी, LIC क्या था बेसिकली? LIC एक किस्म का एक्ट था जो 19th जून 1956 को पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में। बट LIC का फॉर्मेशन हुआ 1 सितंबर 1956 को, 100% ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं सब भारतीय सरकार की 100% ओन कंपनी है। बट विल इट ग्रो इन फ्यूचर, सवाल तो यही है, इस वीडियो में जुड़े ही इसलिए कि क्या कंपनी ग्रो करने वाली है। चलिए देखते हैं कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल हम सबके दिमाग के अंदर में क्या है, चलिए जानते हैं LIC की डिटेल्स। एट प्रेजेंट रैंक नंबर 1, जी हां रैंकिंग नंबर 1 पे है, 64.1% मार्केट शेयर है, जो 2014 में अगर आप देखेंगे, 2014 से 2022 में 75% हुआ करता था, जो अब घट के 64% हुआ है। मतलब मार्केट शेयर गिरा है, ऐसा क्यों हुआ है गाइस? क्योंकि पहले एक मात्र कंपनी हुआ करती थी, अगर इंश्योरेंस मतलब LIC, अब उसके बाद में मैक्स आई, बजाज आई, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज भी इसमें आ गई हैं। बट द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इज स्टिल विद LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाद में। बट प्राइवेट प्लेयर्स जब से आए हैं मार्केट शेयर को धक्का लगा है, ये एक सोचने समझने वाली बात है। रैंक 2 पे जो कंपनी आती है SBI लाइफ, उसका शेयर सिर्फ 7.83% है। नंबर 2 पे HDFC लाइफ का है 7.63%, मैक्स लाइफ का 3.4% एंड बजाज इंश्योरेंस का जस्ट 2.1%। बट सवाल यही है, विल दिस कंपनी ग्रो? लेट अस फाइंड आउट। पॉजिटिव्स क्या है इस कंपनी के बारे में? भाई 2 लाख से ज्यादा का एम्प्लॉय का नेटवर्क है पूरे देश में, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय, कितनी बड़ी कंपनी है, 15 लाख से ज्यादा एजेंट्स है इस कंपनी के पास में पैन इंडिया बेसिस पे, 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। अभी 15 लाख एजेंट्स कमाते क्या है? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने प्रीमियम दिया तो 30-35 हजार रुपए तो इनको मिल ही जाते हैं। बट जब तक आप इंश्योरेंस पे करते रहते हैं 5% के आसपास तो इनको इनकम मिलती रहती है। तो ये एजेंट्स तो एक किस्म से लाइफ लॉन्ग LIC से कमाते रहते हैं। तो यही एक ट्रस्ट फैक्टर है एम्प्लॉयज के लिए, हर कोई इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है LIC कंपनी का। 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, मतलब कंपनी में रेवेन्यू आता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, बिजनेस आता रहेगा। बट विल दिस कंपनी ग्रो? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस कंपनी का जो IPO का वैल्यूएशन था 16 लाख करोड़ के आसपास का एनालिसिस करने की कोशिश किया, तो उनको लगता है 16 लाख करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन बन सकती हैं। अब IPO की डिटेल्स क्या है? 63,000 करोड़ का IPO है, शेयर्स कितने ऑफर किए जा रहे हैं? 31.6 करोड़ के, 5% ऑफ द टोटल वैल्यू है सिर्फ। इसका मतलब इसमें एक और चीज अच्छी है, जो LIC के एजेंट्स हैं, जो LIC के एम्प्लॉयज हैं, वो 10% उनके लिए एलोकेट किया गया। मतलब ये शेयर्स हर कोई अप्लाई कर सकता है, मतलब यहां पे एलोकेशन होने की कहीं ना कहीं संभावना है,
बहुत ज्यादा है, तो आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो इंडिया के सबसे दिग्गज जो गुड ब्रोकिंग हाउसेज है, बेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज है, पेटीएम, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, मास्टर्ट्रस्ट, बहुत सारे, इन सब के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। तो जाइए, अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अभी शुरू कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नए अकाउंट से स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक और बात, अगर किसी भी इन ब्रोकर के लिंक के साथ जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप उनसे अकाउंट खोलते हैं तो आप मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर एक महीने के लिए बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। अब उसको कैसे यूज करना है, रोज 9:15 पे मिलिए मुझे लाइव सेशन में, लाइव मार्केट एनालिसिस। मार्केट के दौरान आप अपने शेयर्स पूछ सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और देखते हैं बाजार कैसे चलता है। चलिए देखते हैं एलआईसी में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। दोस्तों, अगर आईपीओ हिस्ट्री की बात किया तो यहां एलआईसी हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। इससे पहले पेटीएम का आईपीओ आया था 2021 के अंदर में, 18,300 करोड़ का फ्लॉप था। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था इसमें कुछ ज्यादा जान नहीं दिखाई देती है। कोल इंडिया 15,500, मार्केट खराब हुई थी। रिलायंस पावर 11,700 करोड़, मार्केट खराब हुई थी। और अब एलआईसी 63,000 करोड़। गाइस, दिस इज अ बिग नंबर। तो क्या मार्केट्स फिर से खराब होने वाली है, क्या मार्केट्स फिर से क्रैश होने वाली है? दिग्गजों का ये भी मानना है, ग्रे मार्केट्स ये भी कह रही है कि एलआईसी का आईपीओ के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगी। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स, बट हमेशा से देखा गया है कि बड़े आईपीओ से मार्केट क्रैश करती है। मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूं कि मार्केट क्रैश होने वाली है, बट वी हैव टू बी कंसर्न्ड ऑलवेज, राइट? तो ठीक है, देखते हैं हम इसके कॉन्स क्या है। पॉजिटिव ने देखिए, कितने लाख एम्प्लॉइज हैं, इतने लाख एजेंट्स हैं, सब चीजें हैं। नेगेटिव भी तो कंपनी के साथ में कुछ होगा, जहां पे हमारी कुछ कंसर्न रह सकती है। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट प्लेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं एलआईसी के प्रीमियम्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, थोड़े से महंगे साइड पे रहते हैं। और एलआईसी को मालूम है, हम तो ट्रस्ट है, हम तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो अपने प्रीमियम्स को कम नहीं करते हैं। कमीशन बहुत हाई भी पे करते हैं, तो प्रीमियम्स भी उनके बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे एज ले जाते हैं, इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। पुअर सर्विसेज में इसलिए कहूँगा क्योंकि सरकारी कंपनियां हिंदुस्तान में क्या होता है कि थोड़ा ईगो में रहती है, शायद थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं कि नहीं हम तो एलआईसी है, हम तो ये एटीट्यूड हम लोगों को चेंज करना होगा, इन कंपनीज को चेंज करना होगा, तो शायद ग्रो कर सकती है एलआईसी के एजेंट्स। अब आप कहेंगे 15 लाख एजेंट्स इनकी पावर है, तो इनकी कमी कैसे है? जो 15 लाख एजेंट्स हैं ये क्रॉस सेलिंग करते हैं बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स की। आप जान के देखिए, किसी से पूछ के देखिए कि आपके पास क्या मैक्स के प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपके पास बजाज के प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपके पास SBLF का इंश्योरेंस है। हाँ, आपके एजेंट के पास में इन कंपनीज के टाइप भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज की बात की है तो सभी के सभी प्रोडक्ट रेंजेस एलआईसी के पास में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक वीकनेस है जो एलआईसी के पास में नहीं है, बाकी के पास में है। तो एज है, सपोज कीजिए आपको ग्रोसरी खरीदनी है, आप कहाँ जाएंगे? छोटी सी दुकान में या डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए, वन रूफ और प्रोडक्ट्स। तो ऐसा ही कुछ बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में हो रहा है, एलआईसी यहाँ पे मिस कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस की कमी दिखाई देती है एलआईसी की तरफ से। और जब मैंने पर्सनली गाइस, जब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया था, तो मैं ये नहीं कहूँ कि आप मैक्स के पास जाइए, मैंने मैक्स से लिया था। क्यों लिया? जब मैंने एलआईसी को अप्रोच किया तो वहाँ पे उनके शायद टेंट्रम्स थे या नखरे थे, या मुझे लगा कि बहुत पुरानी बात है, ठीक है, जब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड से ऊपर जाना नहीं चाहते। मैंने उनको कहा कि मुझे इतने CR का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो उन्होंने मना किया। जबकि प्राइवेट प्लेयर्स ने मुझे इजीली, मैक्स ने मुझे इजीली कहा कि ठीक है सर, अपनी डिटेल्स भेजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अगर हमें लगेगा वेरीफाई करने पर सही है तो हम आपको जरूर देंगे, एंड दे गिव मी दैट टर्म इंश्योरेंस। तो ये एक कमी बहुत बड़ी है, जहां लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिलता दिखाई देता है। लोग आज के डेट में इजी बिजनेस चाहते हैं, इजी कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो एलआईसी के साथ शायद थोड़ी सी मिस कर रही है, जो आने वाले टाइम में इनको परेशानी दे सकती है। अब लॉन्ग टर्म का क्या इसका स्कोप आपको दिखाई देता है, लॉन्ग टर्म के फ्यूचर है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्विक प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, थोड़ा बहुत जरूर ग्रो करेगी, कंपनी के जो रिवेन्यूज हैं वो कंसिस्टेंटली आते रहेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो कंसिस्टेंटली आते रहेंगे, रेगुलर इनकम रहेगी। जी हाँ, मार्केट शेयर डेंजर में है, जी हाँ, लूज कर रही है मार्केट शेयर, आप देख सकते हैं 75% से 64% पे आ गया है। लैक ऑफ इनोवेशन, मतलब आपको क्रिएटिविटी करनी देख पड़ेगी, आप लोगों को तक पहुंचने के लिए वही पुरानी एक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं रह सकते कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। यस, इस स्टेटमेंट ने लोगों को दिल से टच किया है, बट कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा और शायद उसके बाद ही आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आईपीओ के क्विक गेंस के लिए आप इसको जरूर लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे दिमाग में इसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं। गाइस, इस वीडियो को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ आपसे सवाल पूछने के लिए कि क्या आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं एलआईसी के। तो अगर आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में येस कीजिए या नो कीजिए, अपने कमेंट्स को पर्सनली पढ़ने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिर से रिमाइंड करा दूं कि 9:15 में जैसे ही मार्केट शुरू होती है मैं लाइव सेशंस करता हूं, लाइव बैठता हूं आपके साथ में और आपके शेयर्स लेने की कोशिश करता हूं, आपसे डिटेल एनालिसिस करता हूं, निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। 1-1.5 घंटे का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग से भरा एपिसोड होता है, तो प्लीज उसको लाइव ज्वाइन कीजिए। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लिखाइए। और आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, दैट इज फाइनली योर कॉल, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी अकल लड़ाइए, स्टडी के लिए
मैंने डिटेल्स आपको दे दी है, और ज्यादा डिटेल्स आप स्टडी कर सकते हैं और फाइनेंशियल्स आप स्टडी कर सकते हैं, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपकी स्टडी कहता है, वही जी। मिलते किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।